इंडेक्स इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एवेंजर्स एंडगेम का जादू भारतीय फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। यही वजह है कि सिनेमा घरों के मालिक भी इस क्रेज का जमकर फायदा उठाना चाहते हैं। ताजा रिपोर्ट्स की माने तो एवेंजर्स एंडगेम का शो सिनेमा घरों में एक हफ्ते तक 24 घंटे चलने वाला है। जी हाँ, जहाँ बाकी फिल्मों के शोज 12 घंटे के बाद नहीं होते हैं, वहीं एडवेंजर्स आप उसके बाद भी देख पाएंगे। एक मल्टीप्लेक्स के अधिकारी ने बताया कि ये परमिशन आज मौखिक रूप से प्राप्त हुई है, लेकिन सिर्फ एडवेंजर्स एंडगेम को ही दी गई है। भारत में एडवेंजर्स एंडगेम 26 अप्रैल 2019 को रिलीज हो रही है। देश भर में दर्शक सिर्फ नाइट शो नहीं बल्कि 12 बजे रात के बाद भी शो देख सकते हैं, जिसके लिए नए शेड्यूल की प्लानिंग की जा रही है। विदेशों में यह चलन पहले से ही है, लेकिन भारत में यह पहली बार होने वाला है। पिछले दिनों शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के जीवन पर बनी फिल्म ठाकरे का एक शो मुंबई में सुबह 4:15 पर हुआ, लेकिन वह अभी 24 घंटे तक नहीं चली थी। रिपोर्ट्स के अनुसार एडवेंजर्स एंडगेम को 2000 से 25,000 स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा, लेकिन शोज की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। हालांकि सिर्फ बड़े शहरों यानी ए सिटीज में ही देर रात तक के शो रखे जाएंगे, और खासकर उन सिनेमा घरों में जहां आईमैक्स और 4D की सुविधा होगी। आपको बता दूं कि मुंबई के वाडाला कार्निवल सिनेमा में पिछले शनिवार को ही सुबह 3:20 के शो के लिए बुकिंग शुरू कर दी गई थी। फिल्म के क्रेज को देखते हुए जाहिर है कि एडवेंजर्स 40 करोड़ के ऊपर की ओपनिंग देने वाली है। फिल्म को ब्लॉकबस्टर होना तो तय ही है। बुक माई शो के मुताबिक एवेंजर्स एंडगेम की एक दिन में 10 लाख की टिकटों की एडवांस बुकिंग हुई है। फिल्म ने एक सेकंड में 18 टिकट बुकिंग का रिकॉर्ड बनाया है, ऐसा बुक माई शो के एक अधिकारी ने कहा और ट्वीट करके बताया। एडवेंजर्स की इस फिल्म में मार्वल से सभी 22 अलग अलग किरदार साथ दिखेंगे। कैप्टन अमेरिका, थार, आयरन मैन, ब्लैक विंडो, वैंडमैन आदि। जाहिर है कि फैंस इस बीच इस फिल्म का खासा उत्साह है और यह फिल्म देखने की काफी लोग पहले से ही उत्साहित हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।